Hi you guys, welcome or welcome back to my channel. Hope you all are doing amazing. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अभी आपको डेली या फिर अल्टरनेट डेज में बैक टू बैक वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं बिकॉज फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं. तो आई थॉट इस वीक अगर मैं आपके साथ कंटेंट शेयर करती हूँ तो आपको एक प्रॉपर टाइम मिल जाएगा फेस्टिवल्स के लिए परचेसिंग करने का. एंड अभी ना गाइज मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स में सेल भी चल रही है, सो ये सही टाइम है परचेसिंग करने का. सो यू गाइज ऑलरेडी रेड बाय द टाइटल कि आज का वीडियो होने वाला है लिबास से फेस्टिव वियर का कलेक्शन. एंड मैंने बहुत ही अमेजिंग कुर्ता सेट पिक किए हैं फ्रॉम लिबास. वैसे भी लिबास सब बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी डिलीवर करते हैं. जो प्रिंट होता है एंड जो प्रॉपर फिटिंग होती है इनकी, मुझे बहुत पसंद आता है लिबास का कलेक्शन. एंड ऑल्सो गाइज लिबास में अभी सेल भी चल रही है, सो अगर आप ड्यूरिंग दी सेल परचेस करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत और अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा. एंड मैंने ना इस बार मतलब फेस्टिवल एप्रोप्रिएट तो ऑर्डर किए ही है कुर्ता सेट, प्लस कुछ इस टाइप से ऑर्डर किए हैं जिन्हें अपना ऑफिस में भी कैरी कर सकते हैं. बिकॉज ड्यूरिंग दी फेस्टिवल ना ऑफिस में थोड़े से एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता सेट और जो प्रिंटेड वाले कुर्ता सेट होते हैं ना बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं, सो वो भी मैंने थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखा है. सो होप आपको आज का कलेक्शन पसंद आएगा. अब बहुत सारी बातें हो गई है, वीडियो पे स्टार्ट करते हैं. नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं विद दिस वेरी प्रिटी येलो कलर कुर्ता सेट. लुक एट दिस गाइस, इसमें आपको ना तीनों चीजें मिल जाएगी. एंड ये कुर्ता सेट ना बहुत टाइम पहले बैक इन माय कॉलेज डेज उस टाइम ना इस टाइप के कुर्ता सेट बहुत ज्यादा ट्रेंड करते थे. अभी तो मैंने ना मतलब बहुत टाइम से देखे ही नहीं है इस टाइप के कुर्ता सेट. मैं आगे बताऊंगी कि क्या है इसका पूरा पैटर्न, बट सबसे पहले हम इसकी कुर्ती देख लेते हैं. सो लुक एट दिस कुर्ती गाइस, ये आपको ना अनारकली पैटर्न में मिल जाती है. एंड सबसे पहले तो हम इसके कलर की बात करते हैं. ये ना आपको येलो कलर में मिल जाता है एंड बहुत ही सूदिंग सा येलो कलर है जो फेस्टिवल्स में काफी ज्यादा अच्छा लगता है. एंड इसका नीचे साइड से घेरा भी बहुत अच्छा है. एंड ऑल ओवर दी अनारकली आपको ऐसा ना थ्रेड वर्क देखने को मिलता है. कोई भी थ्रेड ना ऐसा नहीं है जो निकला हुआ है. एंड पूरा वर्क आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ मिल जाता है. सो ऑल ओवर दी कुर्ती आपको पेसली प्रिंट मिल जाता है. लुक एट दिस, वैसे आपको ट्रायन पार्ट में ना अच्छे से दिखेगा इसका पूरा लुक. एंड इसमें ना आपको सीक्वेंस भी मिल जाते हैं सिल्वर कलर से, जो ऐसे विजिबल तो नहीं है बट थोड़ा सा शाइनी लुक आ रहा है उससे, यू कैन सी. एंड नेक जो इसमें दिया हुआ है गाइस वो है कौन सा वाला नेक बोलेंगे इसको, वो जो पान शेप में होता है ना उस टाइप से है इसका नेक. सो काफी ऐसा ब्रॉड टाइप से है जो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था. यूजुअली जब हम स्टिच कराते हैं ना कुर्तीज उस टाइम पे इस टाइप के नेक हम इजीली बनवा सकते हैं, बट जो रेडीमेड आपको मिलते हैं ना उसमें इतने ब्रॉड टाइप के नेक कुर्ता सेट में तो देखने को नहीं मिलते हैं. तो मुझे बहुत पसंद आया इसका नेक का लुक आप देखो. एंड बैक साइड से भी इसका नेक ना काफी ज्यादा डीप है, पूरा ऐसे राउंड शेप में दे रखा है जो बहुत अच्छा लग रहा था. एंड इसका नेक ना एकदम प्रॉपर है, मतलब ब्रॉड होने के कारण ऐसा नहीं है कि खिसक रहा हो शोल्डर से, एकदम परफेक्ट टिका हुआ था तो मुझे बहुत पसंद आया. यूजुअली जो ब्रॉड नेक होते हैं ना उसमें पीछे साइड में से डोरी मिल जाती है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड इसकी जो स्लीव्स है वो आपको 3/4 मिल जाती है. स्लीव्स में भी आपको सेम ही पूरा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क मिल जाता है. एंड यहाँ पे ना आपको इस टाइप से कुछ डिटेलिंग मिल जाती है स्लीव्स के एंड में. नीचे साइड से इसमें आपको सेम ही वर्क मिलता है एंड अंदर साइड से ना प्रॉपर आपको लाइनिंग मिल जाती है येलो कलर से ही. सो ट्रांसपेरेंसी का बिल्कुल भी इशू नहीं है. फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में आपको पूरा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क मिल जाता है. एंड इसका फैब्रिक दिया हुआ है, आई थिंक ये जॉर्जेट का फैब्रिक है. सो जो मैं आपको बता रही थी ना कि इस टाइप के कुर्ता सेट बहुत टाइम पहले लाइक वी कैन से कि 7 to 8 years बैक बहुत ज्यादा चलते थे. सो वो मैं इसलिए बोल रही थी बिकॉज इसका जो बॉटम है ना वो आपको मिल जाता है चूड़ीदार पैटर्न में. तो अभी तो मैंने देखा है ना इस टाइप के चूड़ीदार पैंट्स तो कहीं मिलती नहीं है. तो जब मुझे लिबास के वेबसाइट में दिखा ना आई वॉज लाइक कि हाँ मुझे ट्राई करना है, बिकॉज मुझे तो बहुत पसंद आती थी उस टाइम भी इस टाइप की चूड़ीदार जो सलवार होती थी आप देखो. एंड जो पहनने के बाद पूरा लुक आ रहा था ना वो भी बहुत अच्छा लग रहा था. एंड इसमें भी आपको अंदर साइड से प्रॉपर लाइनिंग मिल जाती है जिससे ट्रांसपेरेंसी का कोई इशू नहीं है. फैब्रिक आपको इसका भी जॉर्जेट मिलता है एंड वेस्ट में दिया हुआ है इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड. वैसे भी अपर साइड का तो कुछ भी दिखना नहीं है बिकॉज अनारकली कुर्ती है. नीचे साइड से ओनली ना बस इतना ही इसका लुक दिख रहा है, जो चुन्नट वाला पैटर्न है ना बस वही विजिबल है. नाउ इसका जो दुपट्टा है वो आपको ना नेट के फैब्रिक में मिल जाता है एंड इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा है. सो मैंने आपको ना आई थिंक लास्ट वीडियो में ही कहा था कि जो नेट के फैब्रिक होते हैं दुपट्टे में वो मुझे उतने पसंद नहीं आते बिकॉज बहुत सारे ऐसे नेट के दुपट्टे होते हैं जो बहुत ना कड़े से होते हैं,
तो प्रॉपर स्टेबल नहीं होते, बट इसका जो नेट है ना वो काफी अच्छी क्वालिटी का है। आप देखो गाइस, मतलब प्रॉपर ऐसा गले में आ जाता है। मुझे इस टाइप के दुपट्टे बहुत पसंद आते हैं जिसको मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी होती है रखने में। सो इसका नेट भी बहुत अच्छा है, प्लस आपको ना इसके चारों कॉर्नर में इस टाइप से स्टाइलिंग मिल जाती है, एंड बीच बीच में ना आपको स्टोन वर्क भी मिल जाता है इसके दुपट्टे में। इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, विड्थ भी नॉर्मल है जो होती है। सो ऑल इन ऑल तीनों स्टाइल करने के बाद बेस्ट लग रहे थे गाइस, फेस्टिवल्स के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। आप राखी में पहनो, आपको मजा आ जाएगा पहनने के बाद, एंड आप इसे ना तीज में भी कैरी कर सकते हो बिकॉज काफी अच्छा है ये वाला कुर्ता सेट। एंड वन मोर थिंग की इसके साथ ना आपको ऐसा पोटली भी मिल जाती है, सो विच इज ऑल्सो लाइक अ गुड थिंग कि हाँ कुछ ऐसा एडिशनल चीज मिल जा रही है। यू कैन सी इसमें भी आपको ना सेम एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है जैसे इसकी कुर्ती में दे रखी है। सो जरूर ट्राई कर लो यार, अगर आपको भी कुछ डिफरेंट चाहिए एंड ये जो चूड़ीदार वाला पैटर्न है आपको अच्छा लग रहा है, आप ट्राई कर सकते हो। साइज लेट मी चेक मैंने क्या ऑर्डर किया है, आई थिंक ऐसे ही होगा बिकॉज मेरा लिबास का साइज ना स्मॉल ही है। यस स्मॉल मैंने ऑर्डर किया है, एंड ये मुझे ना कॉस्ट किया है गाइस 2000 रुपीज में। सो प्राइस के हिसाब से वर्थफुल है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता सेट। सो ये वाला कुर्ता सेट इज समथिंग डिफरेंट। ये आपको ना बेज कलर में मिल जाता है, एंड इसका जो पूरा पैटर्न है ना बहुत ही रॉयल टच में है। सबसे पहले ना हम इसकी कुर्ती देख लेते हैं। आप देखो ऑल ओवर दी कुर्ती आपको ना वुवन डिजाइन देखने को मिल जाती है, एंड ये ना पूरा सिल्क के फैब्रिक में दे रखा है पूरा कुर्ता। सो इसका सबसे पहले तो कलर बहुत अच्छा है, एंड ऑल ओवर दी कुर्ती ये जो वुवन डिजाइन दे रखी है ना जरी से वो काफी ज्यादा स्टैंड आउट कर रही थी। मल्टी कलर से आपको पूरा इस टाइप से लुक मिल जाता है, एंड ये नीचे तक दे रखी है। इसका फैब्रिक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बैक साइड से ना ये आपको पूरा प्लेन मिल जाता है, एंड अंदर साइड से आपको प्रॉपर लाइनिंग मिल जाती है, तो ट्रांसपेरेंसी का कोई भी चक्कर नहीं है इसके साथ। नेक इसमें दिया हुआ है वी शेप में, एंड यहाँ पे नेक में आप देखो आपको ना ऐसी लेस डिटेलिंग भी मिल जाती है गोल्डन कलर से। स्लीव्स दी हुई है इसमें 3/4, एंड स्लीव्स के एंड में आपको लेस डिटेलिंग दे रखी है, प्लस ऐसे वर्क मिल जाता है। सो काफी अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया। अगर आपको भी न्यूट्रल शेड अच्छे लगते हो ना सो एक बार ट्राई तो जरूर करिएगा इसे। बॉटम में इसमें दिया हुआ है स्ट्रेट फिट में पैंट्स, इसका कलर आपको सेम मिलता है, एंड फैब्रिक इसका सिल्क है, एंड एंड पोर्शन में आपको ऐसे वुवन डिटेलिंग मिल जाती है। जो इसमें वेस्ट है वो इलास्टिकेटेड मिल जाता है दोनों साइड में, एंड पॉकेट्स भी मिल जाते हैं आपको दोनों साइड में। नाउ इसका दुपट्टा इज वेरी क्लासी, बहुत ही ज्यादा अच्छा है गाइस। ये आपको ना जॉर्जेट नहीं शिफॉन के फैब्रिक में है आई थिंक ये। लुक एट दिस। सो ऑल ओवर द दुपट्टा आपको ना स्टोन वर्क मिल जाता है गोल्डन कलर से। पास से देखो आप, इसकी लेंथ एंड विड्थ काफी ज्यादा अच्छी है, एंड चारों कॉर्नर में आपको ऐसी वुवन डिजाइन मिल जाती है। लेस वर्क दिया हुआ है, काफी प्रिटी इसका दुपट्टा है, प्लस फैब्रिक क्वालिटी इज टॉप नॉच, एंड चारों कॉर्नर में आपको ऐसी टेसल्स डिटेलिंग भी मिल जाती है। तीनों का स्टाइल करने के बाद लुक ना मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप ऑफिस जाते हैं सो फेस्टिवल्स में अगर आपको कुछ अच्छा कैरी करना है, एट द सेम टाइम लुक भी बहुत अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रल कलर अगर आपको चाहिए तो जरूर ट्राई कर लो यार। आप पहन के जाओगे ना कहीं पे भी तो आप अलग ही स्टैंड आउट करोगे, आई एम 100% श्योर। साइज मैंने इसमें भी स्मॉल ही ऑर्डर किया है, एंड प्राइस इसके लिए गाइज मैंने पे किया है 1800 रुपीज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता सेट। सो नेक्स्ट वी हैव दिस फ्लोरल वाइट पिंक एंड ग्रीन कुर्ता सेट, तीनों चीजें इसमें आपको मिल जाती है। सो ये कुर्ता उस टाइप से है, मतलब मेरे टाइप के लोगों के लिए जिन्हें मतलब कॉटन का फैब्रिक चाहिए मुझे, एंड थोड़ा सा प्रिंट हो, स्पेशली फ्लोरल प्रिंट हो, तो मुझे ना बहुत पसंद आता है। आप देखो गाइज इसकी कुर्ती का जो लुक है ना वो आपको एम्पायर पैटर्न में मिल जाता है। इसमें नेक दिया हुआ है वी शेप में, एंड यहाँ पे आपको ऐसा लेस वर्क भी मिल जाता है व्हाइट कलर से। जैसे इसका नेक एंड होता है वहां से आपको ऐसा प्लीटेड पैटर्न मिल जाता है, तो वो जो आलिया कट वाला पैटर्न होता है ना उस टाइप से है इसका लुक। एंड वेस्ट पोर्शन से ना आपको ऐसा पूरा प्लीटेड वाला लुक मिल जाता है जिससे काफी अच्छा फ्लेयर्ड पैटर्न आता है नीचे साइड में, एंड इसमें बैक साइड में भी आपको प्लीटेड लुक मिल जाता है। इसका जो स्लिट पोर्शन है ना वहां पे भी आपको ऐसी लेस डिटेलिंग मिल जाती है। बैक साइड से इसमें ओनली प्रिंट मिलता है आपको, कोई भी लेस डिटेलिंग नहीं मिलती है। स्लीव दे रखी है 3/4, एंड स्लीव के एंड में भी आपको सेम व्हाइट कलर से लेस डिटेलिंग मिल जाती है। इसका फैब्रिक कॉटन है, थोड़ा सा व्हाइट कलर के कारण ना ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट है, बट अगर आप न्यूड्रा कैरी करते हैं तो वो भी कोई इशू नहीं रहेगा ट्रांसपेरेंसी का।
नाउ बॉटम इसमें दिया हुआ है, स्ट्रेट फिट में पैंट्स है, सो स्ट्रेट फिट वाली पैंट्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है गाइज मुझे, बिकॉज जो इससे पूरा लुक आता है ना वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड प्रिंट तो आपको सेम ही मिलेगा, जो इसकी कुर्ती में प्रिंट दे रखा है ना वही वाला इसमें दिया हुआ है। वेस्ट आपको मिल जाता है सेमी इलास्टिकेटेड, एंड इसमें दोनों साइड में आपको पॉकेट्स भी मिल जाते हैं। नाउ इसका जो दुपट्टा है वो भी आपको ना ऑलमोस्ट सेम प्रिंट में ही मिलता है, एंड फैब्रिक भी आपको सेम मिलता है, कॉटन का फैब्रिक दिया हुआ है। विड्थ एंड लेंथ काफी ज्यादा अच्छी है इसकी, तो सेंटर में आप देखो आपको ऐसा लुक मिलेगा जो इसके पैंट्स में प्रिंट दिया है ना वो वाला है, एंड दोनों जो कॉर्नर है वहां पे आपको इस टाइप से प्रिंट मिलेगा। फैब्रिक बहुत अच्छा है, एंड इसके चारों कॉर्नर्स में ना आपको व्हाइट कलर से ऐसी लेस डिटेलिंग भी मिल जाती है। सो मुझे तो ना गाइज बहुत पसंद आया ये वाला कुर्ता सेट, ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है, एंड ड्यूरिंग दी फेस्टिवल आप इसे ना कैजुअल पर्पस में भी यूज कर सकते हैं। मेरे यहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई है, तो हो सकता है अब लाइट थोड़ी सी डल हो जाएगी। सो यस, बहुत अच्छा है ये वाला कुर्ता सेट, साइज मैंने स्मॉल ही ऑर्डर किया, एंड प्राइस वाइज भी अच्छा है, मैंने इसे ना ओनली 1500 रुपीज में परचेस किया हुआ है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता सेट, सो नेक्स्ट वी हैव दिस लेवेंडर वन, एंड इसमें आपको ना कुर्ता एंड बॉटम मिलता है, इसमें दुपट्टा नहीं दिया हुआ है। सो इस कुर्ते का कलर एंड जो पूरा डिजाइन इसमें दे रखी है ना, जो पूरी एम्ब्रॉयडरी इसमें करी रखी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है गाइज। लुक एट दिस, सबसे पहले तो कलर देखो आप, कलर कितना ज्यादा प्रिटी है। एंड इसके कुर्ते में ना आपको शिफली पैटर्न मिल जाता है, एंड देखो आपको ना प्रॉपर ऐसे लेस से भी वर्क मिल जाता है नीचे तक, देखो आप कितने अच्छे तरीके से ना पूरा काम किया हुआ है। सो अभी ये जो शिफली वाली डिजाइन है ना, मैंने देखा था हर जगह ना बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, एंड थोड़ी सी ना अलग भी है, बिकॉज लेस वर्क तो ना आपको देखने को इजिली मिल जाएगा, बट शिफली वाला जो पैटर्न होता है ना, मतलब ये जो इंसर्टेड पैटर्न होता है ये वाला, ये थोड़ा सा अलग लगता है, एंड बहुत ज्यादा ना ऐसा खिलके भी आता है इसका लुक। नेक इसमें दिया हुआ है वी शेप में, एंड यहाँ पे आपको लेस डिटेलिंग मिल जाती है, एंड पूरे कुर्ते में आपको शिफली डिटेलिंग मिल जाती है। नीचे साइड में तो हेम पोर्शन में काफी अच्छे तरीके से पूरा ऐसा भरा हुआ काम मिल जाता है आपको। जो स्लीव्स है वो इसमें दे रखी है, आई थिंक ये ना फुल लेंथ में है, लाइट भी आ गई है थैंक गॉड। ये फुल लेंथ में मिल जाती है आपको स्लीव्स, एंड स्लीव्स के एंड में आपको काफी अच्छे तरीके से ना ऐसा कट वर्क मिल जाता है, एंड पूरा शिफली पैटर्न मिल जाता है। बैक साइड से ये पूरा प्लेन मिलता है आपको, यहाँ पे आपको कुछ भी वर्क नहीं मिलेगा, एंड अंदर साइड ना इसमें आपको लाइनिंग मिल जाती है, तो ट्रांसपेरेंसी का कोई भी इश्यू नहीं है। नाउ बॉटम इसमें आपको मिल जाता है प्लाजो स्टाइल में, एंड इसके प्लाजो का लुक भी बहुत अच्छा है। मुझे ना मतलब पैंट से ज्यादा ना थोड़े से प्लाजोस पसंद आते हैं, बिकॉज मतलब मेरा जो बॉडी टाइप है ना उसमें प्लाजो वाला लुक मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है अपने ऊपर। तो ये ऊपर साइड से तो ना आपको प्लेन मिलता है, एंड आपको इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड मिल जाता है, दोनों साइड में पॉकेट्स भी मिल जाते हैं, बट जैसे इसके कुर्ते की लेंथ खत्म होती है ना, जस्ट वहीं से आपको पूरा ऐसा शिफली पैटर्न देखने को मिलता है, पूरा नीचे तक दिया हुआ है ये। सो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, एंड नीचे साइड में आपको ऐसा कटवर्क भी मिल जाता है। सो दोनों ही स्टाइल करने के बाद बहुत से भी बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। अगर आप कॉलेज जाते हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं, तो जरूर ट्राई कर लो इसे, आपको बहुत पसंद आने वाला है, आई एम 100% श्योर। साइज तो मैंने बता दिया है, एंड प्राइस मैंने इसके लिए पे किया है गाइस 2000 रुपीज। आई नो थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब सिर्फ कुर्ता सेट के हिसाब से, बट ये जो शिफली वाला पैटर्न है ना, ये मैंने और भी जगह देखा है, तो ये ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही होता है। सो वर्थफुल है, मतलब मुझे तो वर्थफुल लगा, एंड फैब्रिक क्वालिटी तो वैसे भी अमेजिंग है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता सेट, सो ये वाला कुर्ता सेट थोड़ा सा नॉर्मल टाइप से है, कैजुअल वियर के अकॉर्डिंग है, एंड ऑफिस एंड कॉलेज के लिए अच्छा है, आप इसे डेली वेयर में भी यूज कर सकते हो। सो इसमें आपको ना कुर्ता एंड बॉटम मिल जाता है। सबसे पहले हम इसकी कुर्ती देख लेते हैं, लुक एट दिस गाइस, ये आपको ना मस्टर्ड कलर में मिल जाती है, एंड इसमें मस्टर्ड के साथ साथ ना बहुत सारे कलर्स दिए हुए हैं। आप पास से देखो, ग्रीन कलर है, ऑरेंज है, थोड़ा सा येलो का भी हिंट है। स्ट्रेट फिट में ये कुर्ती मिल जाती है आपको, नीचे साइड में ना स्लिट दिया हुआ है इसमें, बट ये ना स्लिट थोड़ा सा नीचे से है, बाकी लेंथ काफी अच्छी हो रही थी मुझे इसके कुर्ते की। एंड इसमें ना आपको गोल्डन कलर से थोड़ा सा हिंट भी मिल जाता है, जैसे विजिबल तो नहीं है, बट जब आप इसे पहनोगे ना तो हल्का सा हाईलाइट होता है ये। नेक इसमें दिया हुआ है वी शेप में, एंड इसका नेक भी ना थोड़ा सा डीप है, जो बहुत ही ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा था। प्लस यहाँ पे आप देखो, जो नेक वाला पोर्शन है ना, वहां पे आपको थोड़ा सा क्या बोलेंगे, मतलब ना इन्होंने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया हुआ है, तो थोड़ा सा मोटा सा दिख रहा है ये। नीचे साइड भी आपको योक पार्ट में दिखेगा,
स्लीव इसमें दे रखी है 3/4 एंड ये ना फ्लेयर पैटर्न में दी हुई है। बाकी फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में सेम ही आपको प्रिंट मिलेगा। एंड इसका फैब्रिक आपको आई थिंक ना सिल्क एंड कॉटन ब्लेंड फैब्रिक है, बहुत ही कंफर्टेबल है, इजीली आप फोल्ड पहन सकते हो इसे, एंड ये तो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। नाउ बॉटम में इसमें आपको मिल जाती है पैंट्स, स्ट्रेट फिट में ये पैंट्स दे रखी है, एंड इसका लुक आपको कॉट टाइप से मिल जाएगा बिकॉज बॉटम में भी सेम ही प्रिंट मिलता है आपको। फिटिंग मुझे एकदम परफेक्ट हो रही थी, वैसे भी लिबास के साथ फिटिंग का कोई इशू होता नहीं है, मेरा साइज स्मॉल है एंड मेरा जो बस साइज है वो मैं 36 प्रेफर करती हूँ, तो अगर आप भी 36 बस साइज प्रेफर करते हैं तो आप स्मॉल साइज के साथ जा सकते हैं। आपको वेस्ट में मिल जाता है सेमी इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड एंड इसमें आपको दोनों साइड में पॉकेट भी मिल जाते हैं। अगर आपको डार्कर शेड अच्छे लगते हैं, अगर आपको कुछ कलरफुल चाहिए, जरूर इसे ट्राई कर लेना, फैब्रिक क्वालिटी तो अमेजिंग है दोनों की। एंड ये मुझे कॉस्ट किया है गाइस 1300 रुपीज में। सो दीज आर ऑल दी कुर्ता सेट जो मैंने लिबास से ट्राई किए थे, होप आपको आज का कलेक्शन पसंद आया होगा। एंड अगर आपको शॉपिंग करना हो अभी आप ट्राई कर सकते हैं लिबास से ड्यूरिंग दी सेल, लिंक अभी की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर लेना। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो आई थिंक कल ही हो सकता है या फिर डे आफ्टर टुमारो, मैं बैक टू बैक ही ट्राई करूंगी अभी इस वीक तो पूरा कंटेंट पोस्ट करूं सो दैट आप जल्दी जल्दी परचेसिंग कर पाओ फॉर राखी एंड अदर थिंग्स। So now we will meet in my next video. Till then, bye bye. Take care.